आज है पूर्णिमा और पूरा चांद निकला हुआ, अगर दिख रहा होगा तो कितना सही लग रहा है ये। हाँ अभी मैं इसे और क्लिक करती हूँ तो नाइट व्यू बहुत अच्छा आएगा इसमें, और बाहर बहुत ज़्यादा सी सुरसुरी हवा चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग मेरा डेली रूटीन के हिसाब से रहेगा। और मौसम इतना शानदार हो रहा है, मतलब शानदार क्या, ठंड एकदम से बढ़ चुकी है और बाहर ना धूप बिल्कुल भी नहीं आई है, धुंधला सा हो रहा है। तो पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, चलिए देखिए। तो जस्ट अभी मैंने इतने सारे कपड़े अपने धोए, और कुछ किचन के थे एप्रन वगैरह और टॉवल्स वगैरह, तो वो धो के मैंने बाहर रखे हैं। और मौसम भी आज का कुछ ऐसा हो रहा है, देखो मतलब धूप तो बिल्कुल आई नहीं है, हल्का सा सूरज देवता निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, पूरे बादल छाए हुए हैं। देखिए ऐसा हो रहा कुछ मौसम, कहीं जाओ तो कपड़े ढेर हो जाते पहले। अभी मेरे हस्बैंड के कपड़े नहीं है इसमें। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में रोटी, ऑमलेट और राजमा और पालक पनीर जो हमने रात को बनाया था, और राजमा और अंडे तो अभी सुबह सुबह बनाए हमें, और जस्ट चाय गर्म करने के लिए रखी है। सो गाइस, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है और जस्ट अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है डन, क्योंकि आज छुट्टी थी तो इसकी वजह से भी हम थोड़ा लेट में हो गए। तो सानवी की भी आज छुट्टी थी और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो उठने में भी लेट हो गया और सारे काम करने में लेट हो गया। तो बस अभी जाके मेरे हस्बैंड गया नहाने के लिए, और मेरा और सानवी का ब्रेकफास्ट हो चुका है, और अब जाके मैंने करनी है बेड शीट चेंज इसकी, क्योंकि सानवी के साथ मुझे 2 या 3 दिन में बेडशीट बिल्कुल चेंज करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कलर गिर जाता है या फिर वो कुछ खाती है तब गिर जाता है सारा सामान उसमें। तो पहले बेडशीट चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। पहले मैंने बिछाई थी पिंक वाली बेडशीट, और अब मैं ये वुलन वाली बेडशीट बिछाने जा रही हूँ, क्योंकि ये वुलन का है तो थोड़ा वार्म होता है और मौसम ऐसा हो रहा था, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये बेटर रहेगा इसके हिसाब से अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ चुकी है, और सानवी ने सारा, हमने इधर साइड इसलिए लगाया ताकि सानवी रात को अगर पलटेगी तो उधर लगेगा नहीं ऐसे दीवार पे। तो ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले धूप आ गई थी और अब जाके मौसम फिर भी ऐसी हो गया। इधर तो पूरे बादल लगे हुए हैं और इधर मौसम बिल्कुल साफ है, पर धूप नहीं आई ना, कपड़े भी नहीं सूखे आज। सो गाइस, पूरा दिन भर का काम ख़त्म होने के बाद अब जाके हमने बनाए अपने राजमा चावल, और राजमा चावल के साथ रोटियाँ भी, क्या जिसे रोटी खानी रोटी खा लो, राजमा चावल खा लो राजमा चावल खा लो। तो जस्ट अभी मैंने अपना लंच कंप्लीट किया है, और सानवी यहाँ पीछे सो रही है मेरे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है उसे, 2:30 बज चुके हैं और उसे नींद आती है। पहले हम नीचे घूमने चले गए थे, उसने काफ़ी देर कार्स वगैरह चलाई मैंने नीचे, और उसके बाद हम ऊपर आए और लंच करने के बाद वो तो सो गई और मैं जगी हुई हूँ अभी। तो बस अभी मेरे हस्बैंड का लंच नहीं हुआ है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कि ब्रेड अंडा खाते हैं या फिर नॉर्मली अपना कुछ देखते हैं, और मतलब राजमा चावल कुछ भी देखेंगे तो देखते हैं। तो अभी तो सानवी सो ही हुई है, तब तक सोचे कि कुछ और काम कर लेती हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या काम रह गया है, वो कर लेते हैं फटाफट से। सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, और उसके बाद आज अपार्टमेंट की मोटर भी चली हो गई, तो जिससे मेरा हाथ टैब में पानी भी नहीं आ रहा, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। और शाम के बज चुके हैं 4, और अभी तक ना ही लाइट आई और ना ही मोटर चली, बिना लाइट के मोटर चलेगी नहीं, क्योंकि इन्वर्टर से चलाएंगे नहीं, एक नंबर की कंजूस है हमारे अपार्टमेंट वाले। तो जिसमें अभी सानवी के यहाँ बॉटल्स वॉश करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा लाइट वो आ गया होगा, मतलब पानी आ गया होगा, तो अभी तक तो बिल्कुल भी कोई भी आसार नहीं लग रहा मुझे, पानी आया टाइम में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, ना यहाँ आ रहा है किचन में, ना ही वॉशरूम में आ रहा है। उधर मम्मी उनकी साइड में आ रहा होगा तो पता नहीं, उधर वाले वॉशरूम में देखना पड़ेगा ये पानी आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं तो फिर ख़त्म ही हो गया आज का दिन का। तो सो गाइज, अब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने जा रही हूँ मैगी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि ऑमलेट और बन वो खा लो ब्रेड ऑमलेट, तो बोले नहीं मुझे बहुत टेस्टी मैगी चाहिए। अब समझ नहीं आता टेस्टी मैगी कैसे बनाऊँ, तो पहले फट से उनके लिए मैगी बनाते हैं, क्योंकि उनका दिन में लंच नहीं होता, मैगी बनाते हैं, कुछ अच्छी सी बन जाए तो बेटर है। तो मैगी ढूंढते भी हैं, पहले मेरे फैमिली पैक मैगी का तो मिल गया है, और कुछ प्याज वगैरह काटते हैं और से कुछ टेस्टी सा सूपी सा बनाते हैं, बन गई तो ठीक, नहीं तो मैगी तो मैगी होती है, खा लो है ना। तो चलिए पहले फटाफट से मैगी बनाते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे। अभी मैगी खाने के बाद, तो फाइनली मेरी मैगी बन चुकी है, और पीछे मेरे
कस्टमर मैगी खाने के लिए तत्पर तैयार। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन चुकी है और वहाँ मेरे मैगी के दो ग्राहक छुपे पड़े, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो मैगी सब करते हैं, चलिए। तो ये लगाई मैंने सानवी की प्लेट और ये अपने हस्बैंड की प्लेट, और यहाँ मेरे और रूपाली के लिए बच गए हैं थोड़ा सा और मैगी। चलिए पहले मैगी खाते हैं, और अभी भी बच चुके हैं 5 और अभी भी लाइट का कोई वही नहीं है कि लाइट आएगी कब आएगी, और हमारे आर ओ में भी पानी ख़त्म हो चुका है, ना ही टैप में पानी आ रहा है। तो आंटी ने जस्ट उधर से पानी लेके अभी काम किया। तो अब चलिए पहले मैगी खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कब तक लाइट आती है। 5 बज गए, लाइट आई नहीं, शाम तक पता नहीं कब तक आएगी, कब मोटर चलेगी, तब तक चाय पानी तो पी लिया अपना, चाय चू चीज़ें है ना। वहाँ पे मैंने लिखी अपने लिए मैगी, और उसे स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा मैं उसमें डालूँगी मोमोज की चटनी। तो आज शायद है पूर्णिमा, तो पूरा चांद निकला है भाई भयंकर, मतलब इतना ये फोटो में इतना वो नहीं लग रहा वीडियो में जितना वैसे इतना सुंदर लग रहा है, और बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी मेरा नाइट कैमरा ऑन है, उधर से देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा इवनिंग स्नैक्स जो था मैगी वाला वो ख़त्म हो चुका है, और साथ में यहाँ पे लग रही है स्पाइडरमैन। और अब हम मैं जा रही हूँ सानवी को लेके थोड़ी देर नीचे, क्योंकि अभी उठ चुकी है, उसने भी मैगी खा ली है, अब थोड़ी देर पचाने के लिए हम जाते हैं उसे नीचे। और आई होप कि आपको मेरा आज का मिनी ब्लॉग पसंद आया हो, तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।